हाय सर, हाय तो हाय सबसे कैसे पहले तो आप? देसी मार्टी में आपका स्वागत है। या और तो सब पहला ही सवाल मेरा यही है कि आप इतने बड़े फिटनेस फ्रीक है। अभी मैं यही बात कर रहा था आपके फ्रेंड्स वगैरह से भी, कई लोगों के आ रहे थे मेरे पास मैसेजेस कि लॉकडाउन में कैसे कैसे वर्क होम वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि जिम तो बंद है। बिल्कुल, जिम जाना भी सही नहीं होगा इस वक्त, बिकॉज जिम का अगर मैं रेटिंग में गिनूं तो इट्स ऑन नंबर टू, जहां इन्फेक्शन या ये वायरस स्प्रेड होने के चांसेस हैं। बिकॉज जिम में सबसे ज्यादा काम ब्रीदिंग का होता है। इफ यू ब्रीद आउट लाउड तो हाँ वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो मुंह से निकले कहाँ गिरेंगे पता नहीं आपको, बिल्कुल इट्स वेरी बिल्कुल। डेंजरस इन द जिम। बीइंग अ ग्रेजुएट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, तो आई वाज अ ट्रेनर अर्लियर बिफोर डॉक्टर, ये सबको पता है। तो हाँ मुझे पता है कि क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए घर के अंदर। प्लस एक चीज रियलाइज हुई है अभी कि आप बिकॉज आई एम 40+ नाउ, सो क्या है ना, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आउटडोर में करते थे, जैसे रनिंग हाँ हुआ, ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं पार्क में बिल्कुल। जाके स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। मैंने भी योगा शुरू किया है, मेरे एक दोस्त है, मेरे क्लासमेट अरे है। अब सोचिए यार, मेरे क्लासमेट है, अच्छा 99 पास आउट है हम लोग, और ओके। हाँ वो कनाडा में है और ही इज अ योगा गुरु, उनका नाम अशोक है, हाँ अशोक राज। तो हम लोग अशोक राज, ऑनलाइन, ओके। हाँ अरे हम लोग ऑनलाइन योगा कर रहे हैं सुबह आजकल। एंड शाम को वाह। मैं अपना बेसिक थोड़ा बहुत, मेरे पास थेराबैंड्स और थेराबैंड्स ही है हाँ मेजरली, सो एंड सम पुल अप बार देख रहे होंगे ऊपर लगे हुए हैं यहाँ हाँ पर दिखा दो। सो आई जस्ट ओके। डू अभी दैट थोड़ा फ्री। सा, हाँ अभी थोड़ा देखिए, आप दिखेगा आपको यहाँ पर रस्सी है, पुल अप बार है। हाँ, आपने तो आ सो हाँ, गया। सो आई डू लिटिल बिट ओके ऑफ दिस, अदरवाइज ऐसा कुछ। बट डाइट का आपको स्पेसिफिकली, तो मैंने क्या किया था, आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मैंने मुझे हाँ पता था कि ये लॉकडाउन बढ़ने वाला है, बिकॉज बाकी कंट्रीज का सिनेरियो देखा था हमने, तो मुझे लगा नहीं था कि 21 हाँ दिन में यह खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ। तो मैंने तो पहले तो बेफाम खा लिया, मतलब अच्छा। एक आपको मौका मिला है ना कि हाँ आप खा सकते हैं, तो हाँ खा लिया। फिर एक सर्टेन सारे टाइम के बाद मैंने सोचा कि अभी थोड़ी स्थिति ठीक होगी, तो अब मैंने हाँ थोड़ा सा डाइट पे भी कंट्रोल करना शुरू किया है एंड वर्कआउट जी। कर रहा हूँ। तो बाकी इतना ही है बस, बाकी कुछ नहीं करता है। योगा करिए आप सब लोग, सूर्य नमस्कार लगाइए, अगर दिन में आप ओके। लगाने लगेंगे सूर्य नमस्कार भी, 50 भी अगर लगा लिया आपने, मैं 50 तक अरे पहुंच वाह, गया अगर आप, बहुत मुश्किल है अरे वाह 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 तो भी वाह। बहुत। अच्छा मैं तो अभी तक आई थिंक 15 ही कर पाता हूँ, ज्यादा कर भी नहीं पाता, तो ऐसा है। नाइस। शायद आपकी जो शुरुआत हुई थी फिल्म तानाजी से, इस साल की जो शुरुआत हुई थी जबरदस्त शुरुआत थी। फिल्म को कितना बढ़िया रिस्पांस मिला था, आपका रोल जबरदस्त था उसमें। तो इस साल से क्या एक्सपेक्टेशन बन गई थी आपकी? हाँ यार, मतलब अब क्या बताएं, मतलब सब चौपट हो गया है यार। चौपट हाँ मतलब तानाजी तो लाइक, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं पिछले पिछले एक मतलब अगर हम इस लॉकडाउन या कोरोना वायरस के पहले की सिचुएशन देखें, तो कहीं ना जी। कहीं पिछला साल भी, आधा पिछला साल जो था वो हाँ वहां से लेकर जनवरी तक बहुत अच्छा था। एंड देर वॉज लॉट ऑफ हाँ रिलीजेस दिस ईयर, मेरी काफी रिलीज थी इस साल और कई हाँ नई फिल्में शुरू होने वाली थी। तो हाँ बिल्कुल। और साल जिससे भी शुरू हुआ, आप सही कह रहे हैं, तानाजी से इतना ज्यादा रिकग्निशन, इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा इज्जत आई थिंक कभी नहीं मिली मुझे एज एन एक्टर, जितनी हाँ तानाजी के बाद मिली। तो लगा था उसके बाद स्पेशल ऑप्स आया, वो भी काफी हिट हुआ, हाँ बट फिर अब ये इस नामाकूल वायरस ने आके सब चौपट कर दिया है। कर दिया। शायद ये आपने की वेब सीरीज से जो शुरुआत है वो आई थिंक फैमिली मैन से शुरू हुआ है जी आपका, जी है ना? तो ये वेब सीरीज, क्या इससे पहले भी किसी वेब सीरीज के ऑफर आए थे? और क्या ये दूसरा दूसरा सवाल इसमें ये रहेगा मेरा कि क्या आपने क्या सोचकर वेब सीरीज को ऑप्ट किया कि मतलब चलो अब वेब सीरीज में चलते हैं, बहुत हो गया टीवी और ये सब, ऐसा कुछ? नहीं यार, ऐसा था कि मैं फिल्में कर ही रहा था उस टाइम भी, जब वेब सीरीज का हाँ ऑफर आया, तो ऑलरेडी आई वाज डूइंग तानाजी, आई वाज डूइंग हाउसफुल, ओके एंड आई वाज सपोज टू वन मोर फिल्म, बीच में गैप था तो सीरीज आई मेरे पास। और मुझे एक तो डायरेक्टर बड़े पसंद है दोनों, राज एंड डी के, बड़े राज अच्छा, के। उनका हाँ हाँ बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं। प्लस एक मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था, बिकॉज जितनी फिल्में थी मोस्ट ऑफ इट अपार्ट फ्रॉम ताना जी, जितनी फिल्में पिछले से उससे भूमि आई, हाँ चाहे हाउसफुल हो चाहे उससे पहले की फिल्में हो, तो मोर ऑफ नेगेटिव शेड्स काफी किए मैंने, तो मुझे एक हाँ ब्रेक चाहिए था कि मैं एक सिंपल सा रोल करूँ। हाँ और मुझे एक मौका मिला फैमिली मैन में काम करने का, तो हाँ वो मैंने किया। एक अच्छी टीम है यार, बेसिकली आप ये देखते हो कि प्रोजेक्ट कैसा है, कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन लिख रहा है ना, उस पर बहुत डिपेंड, मेरा हाँ कम से कम बहुत डिपेंड करता है, या वो कहानी क्या है बेसिकली। एंड इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जब नरेट भी की गई, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरा एक स्मॉल पार्ट था, बट बड़ा मजा आया काम करने में।
और उसके बाद फिर फिल्में चलती रही। टीवी में क्या होता है, टीवी में बताऊं मैं, मुझे कोई परहेज नहीं है ना, मैं टीवी से ही बना हुआ, जितना काम नाम कमाया है फुल रिस्पेक्ट टू यू, बट टीवी में है ना बहुत कमिटमेंट की जरूरत होती है। मींस आपको रोज शूटिंग पे जाना है उस सीरियल की, बिकॉज यू कांट, आप एपिसोड छोड़ नहीं सकते हो। और जिस टाइप का मैं काम करना चाहता हूँ उसमें टीवी कहीं कहीं फिट नहीं आता। जैसे 2-3 साल पहले मैंने टीवी किया था वो करेक्ट फिट बैठता था कि मुझे महीने में 12 दिन ही शूट करना है टीवी के लिए, तो मेरे उस स्केड में फिट आता था। इसलिए मैंने 2-3 TV shows किए थे, एक टीवी शो किया था 3 साल पहले। बट अभी कोई ऐसा फॉर्मेटेड शो नहीं आ रहा जहां मुझे लगे कि यार मैं कर भी लूं और मेरे बाकी काम पे हैम्पर ना करे। और मैं ओवर कमिट नहीं करता यार, मुझे ओवर कमिटमेंट से थोड़ा सा फोबिया है, तो इसलिए मैं अभी टीवी नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद टीवी। ओके, आपने मनोज वाजपेयी के साथ इसमें काम किया, आप बड़े लोगों के सीक्रेट बताते हैं, आज मनोज वाजपेयी का भी एक सीक्रेट हो जाए। मैं सीक्रेट मारेंगे लोग मुझे, नहीं कोई सीक्रेट नहीं है। पहली बात तो यार वो जितने गंभीर दिखते हैं उतने हैं नहीं, वो तो बहुत मजाकिया किस्म के इंसान है। और वो ना उनका एक पिक्युलर अंदाज है बात करने का, मतलब वो कभी जैसे उनके डायलॉग है तेरी कह के लूंगा डायलॉग, आपको याद है गैंगस्टर वसेपुर में, तो वो बिना कहे भी बहुत कुछ करके जाते हैं आपके साथ, आपको रियलाइज भी नहीं होता है। तो बड़े मजाकिया किस्म के हैं और बहुत एंटरटेनिंग है, भले वो सीरियस रोल करते हो काफी, बट डिजीज जिंदगी में वो बड़े ही मतलब मस्त किस्म के इंसान है। ओके ओके नाइस। इसके बाद आपकी एक वेब सीरीज जो स्पेशल ऑप्स का भी पहले भी आपने नाम लिया, उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो आपको कैसे ऑफर हुई, क्योंकि उसमें जो आपका रोल है वो एक पंजाब पाकिस्तान की डेलीगेशन को सिक्योर करने का, और उसमें एकदम वो एक नेशनल सिक्योरिटी का एक ऑफिसर है। बेसिकली क्या था कि ये जब शो शुरू हो गया था तब आई थिंक मेरा कोई विचार भी नहीं था जब राइटिंग हो रही थी, बिकॉज आई नो नीरज सर, मैं उनसे कई बार मिल भी चुका हूँ और हमारी काफी बार ऐसा था कि हम साथ में काम करेंगे फिर रह जाता है कि रोल में फिट नहीं होता है, कहीं मेरे डेट्स मैच नहीं करती है, कहीं उनके कैरेक्टर में फिट नहीं आता हूँ। तो मैं तो छुट्टियों पर था, आप देखेंगे थोड़ा मोटा भी लग रहा हूँ शो के अंदर, आप देखेंगे थोड़ा गोल गोल लग रहा हूँ। मैं तो छुट्टियों पर था गोवा में, सडनली मुझे फोन आया कि नीरज सर ने बुलाया, मैंने कहा चलो ठीक है यार, इतने इट्स ऑलवेज treat to work with such kind of directors who are brilliant in their craft. बहुत अच्छे director हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, वो सीधा बहुत simple से हैं, वो straight line वाले आदमी हैं। तो मुझे फोन आया, मैं तो गोवा में छुट्टियों पे था, मैं चला गया मिलने के लिए, बोले नहीं ये रोल है तू कर रहा है, ठीक है कर लेता हूँ, मुझे क्या है। आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क विद गुड पीपल, है ना, जिनको काम अच्छा आता है, कुछ अपने को नया सीखने को मिले यार, करेक्ट, ऐसी ग्रोथ होती है ना आदमी की। तो मुझे वो परहेज नहीं है उसके अंदर कि मेरा रोल कितना छोटा है बट मेरा कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैंने पूछा सर भरे 2 सीन रखो सर, मेरे बोलो कितना इम्पोर्टेंट है मुझे बताइए, बोला तू टेंशन मत ले तेरा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है यू सी, और बस कर लिया स्पेशल ऑप्स, तारीफ भी हो गई थोड़ी बहुत की अच्छा काम किया, बड़ा डिफरेंट है जो पहले काम किया था, थोड़ी बहुत नहीं काफी तारीफ, उसमें उसमें मोस्ट ऑफ द क्रेडिट जाता है, उसमें मोस्ट ऑफ द क्रेडिट जाता है नीरज सर को, बिकॉज क्या था ना कई बार हम एक्टर्स है ना अपने साथ ये लेके जाते हैं, अच्छा मैंने पुलिस तो 4 बार प्ले किया हुआ, मुझे पता आई नो व्हाट टू डू इन दिस रोल, और नीरज सर ने पहले दिन ही वो सारा जो एक बोझ था ना मेरे सिर पे कि मुझे पता है आई नो इट ऑल वाला, okay. वो 13 रीटेक करा के मुझसे 13 रीटेक्स हुए और उन्हें से वो बैगेज हटवा दिया कि तुझे कुछ नहीं आता बेटा, जब मैं जो बोल रहा हूँ तू वो कर। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है किसी भी एक्टर के लिए और मुझे उसमें बड़ा मजा आया करने में। फिर मैंने वो किया जो जो नीरज सर ने सिखाया मुझे। कहानी लिखते हैं ना तो ये तो फाइनाइट है, एक मिशन उसका अंत, बट कभी भी शो का एक 2 तरीके होते हैं, या तो स्टोरी इतनी लंबी होती है कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड होता है कि हम यहाँ से शुरू करेंगे और 10 एपिसोड में इतना होगा, फिर 10 में इतना होगा, फिर 10 में इतना होगा, या हम पर्टिकुलरली मिशन बेस्ड शो होते हैं उसमें से जैसे एक शो रंगबाज भी है, वो एक कैरेक्टर एक सीरीज के लिए होता है, नेक्स्ट में दूसरा गैंगस्टर आता है, वैसे ही इसमें भी एक मिशन है। तो और फिर डिपेंड करता है कि वो शो कितना ज्यादा चलता है, लोगों ने पसंद किया कि नहीं किया उसको, तो जब पसंद किया है स्पेशल ऑप्स को तो 100% सेकंड सीजन चांस के आने के चांस है। मैं रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे पता नहीं, हाउ बिजी आई विल बी, आई डोंट नो, उम्मीद है कि आप रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा घर की ओर चलते हैं, घर की तरफ आपके, कि एक मैंने आपको बहुत पुराना इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा था कि अगर एक मैरिड कपल को खुश रहना है तो उसे टाइम बिताना चाहिए ज्यादा ज्यादा, तो उसके लिए आप कार्ड खेलते हैं किसी के साथ। बिल्कुल हाँ। तो अभी लॉकडाउन में क्या चल रहा है, कार्ड ही खेल रहे हैं, आपके चैट से पहले हम कार्ड ही खेल रहे थे बैठ के मैं और मेरी श्रीमती जी, तो हम लोग कार्ड खेलते हैं, फिर
जैसे मेरी बेटी है तो मैं उसके साथ जुम्बा करता हाँ हूँ प्रोजेक्टर पे लगा अच्छा ओके के, फिर वो शाम को मैं जब वर्कआउट करता हूँ तो वो भी आ जाती है शाम को, वो हाँ डांस करती रहती है, मैं अपना वर्कआउट खत्म कर लेता हूँ. तो दैट्स हाउ यू यू ट्राई एंड स्पेंड टाइम. एंड हमने डिसाइड किया हुआ है कि अभी बिना नागा एक भी दिन हम सब साथ में खाना खाते हाँ हैं, पिछले 80-85 दिन से हम साथ में ही खाना खा रहे हैं सब लोग. तो दैट इज हाँ ऑल्सो, अब जो दो टाइम का खाना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, लोग रियलाइज नहीं करते. वॉइस ओवर की बात कर रहे थे सर हम कि आपका ये जो टैलेंट है ये पहली बार किसने पहचाना आपने, क्योंकि आपने कई हॉलीवुड में और बाहुबली से तो क्या ही बात है, तो कैसे किसने पहचाना ये टैलेंट? नहीं यार, मैं जैसे मैं कई सारे जगह बताया हूँ, बात पुरानी हुई कि मैं स्टैमर करता था. जब वो चीज स्टैमरिंग हाँ को ओवरकम किया, फिर कई सारे मेरे हाँ कलीग्स ने मुझे बोलना शुरू किया है तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, किसी डायरेक्टर ने बोलना किया बढ़िया. मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट से बेसिकली, अच्छा जिनको यार एक ऐसी ऐसी कॉम है जिनको कोई पूछता नहीं है यार टीवी में, मुझे बड़ा तकलीफ होती है, बड़े कमाल के लोग होते हैं वो लोग. हाँ किसी ने बोला सर हाँ आपकी आवाज तो ऐसी आ रही है कि मुझे सर आपका बेस कम करना पड़ रहा है सर बार बार. और मैं जब देखता भी था तो मैंने कहा ये टीवी में बेस क्यों कम आ रहा है, तो बोले सर वो बाकी लोगों से मैच करता है जब हम, तब सर आपका एक अच्छा फ्रीक्वेंसी ऊपर ही होता है तो हमको सब टीवी के टेलीकास्ट के लिए सबको मैच करना पड़ता है सर. तो अच्छा कहीं ना रियलाइज हुआ. फिर किसी ने मुझे एक बच्चन साहब की एक अच्छा इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आप डबिंग आपको अच्छे से आती है तो हाँ आप अपने सीन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको नहीं आती तो आप खराब भी कर सकते हैं. तो मैंने सोचा डबिंग का काम सीखा जाए, तो फिर मैंने वो डबिंग का काम सीखा लिटरली जाके. एक बड़े फेमस अच्छा स्टूडियो है साउंड एंड विजन, वहाँ मोना शेट्टी करके हैं, मैं उनके पास गया, मैंने कहा मुझे डबिंग सीखनी है. तो बोले आप वॉइस जी टेस्ट कर लेते हैं, आपको उनका आवाज पसंद आई. आप मानेंगे नहीं, मैंने एक इंग्लिश फिल्म थी स्मॉक्स, उसमें एक सिर्फ 3 मिनट का एक वॉइस ओवर है, वहां से शुरुआत की थी मैंने हाँ कि मैं अच्छा कर अच्छा पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ डबिंग का. और वहां से फिर वो सिलसिला बढ़ता गया, बाहुबली आ गई, फिर XXX है, मोआना है, काफी सारी फिल्म. कोई एक प्लीज वैसा प्लीज प्लीज फरमाइश है, फरमाइश है कि वो जी जी बाहुबली का कोई सा भी है, कोई सा भी एक डायलॉग। यार दो लाइन सुनाता हूँ डायलॉग, मुझे फर्स्ट फर्स्ट हाँ बाहुबली का डायलॉग है, बट पूरा डायलॉग बहुत बहुत बड़ा है तो मैं तब भूल नहीं पाऊंगा. अच्छा हाँ हाँ ठीक है क्या है मृत्यु, दुश्मन को पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु, ऐसा कुछ डायलॉग था वो. तो बहुत खूब इस वक्त कई मैं कह सकता हूँ इंग्लिश। कि बिना सावधानी के घर से बाहर निकलना है मृत्यु, अरे वाह बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलना है मृत्यु, सोशल डिस्टेंसिंग ना अपनाई तो तो वो है मृत्यु. तो आपने कई हॉलीवुड फिल्मों के जो है कैरेक्टर किए हैं, कभी मतलब वॉइस वॉइस ओवर डब किए हैं, तो कभी आपको लगा कि नहीं यार ये कैरेक्टर तो मैं भी कर सकता हर हर बार लगता है सर, अरे इससे इससे था बेटर तो मैं ही कर लेता, मतलब कई बार होता है सर, अरे कैसा कर रहा है यार, मैं अच्छा बेटर कर सकता था. तो हर बार किसी भी अच्छा एक्टर का वो प्रॉब्लम है लाइफ में, वो हमेशा खुद का काम भी पसंद नहीं आता, किसी और का काम भी पसंद नहीं आता उसको, वो है प्रॉब्लम. फिर भी कोई एक एक्टर स्पाइडर मैन मार्वल का कोई भी कैरेक्टर अगर आपको पसंद आया हो। नहीं मैं सभी अच्छे, आई थिंक आयरन मैन मुझे तो सभी कैरेक्टर अच्छे हैं, बट हाँ इफ यू आस्क मी मुझे लगता है मतलब अगर देखा जाए तो आई थिंक थॉर का कैरेक्टर जो है वो मैं अच्छा कर सकता हूँ, या फिर आई थिंक आयरन मैन भी अच्छा कर सकता हूँ. आयरन मैन तो कूल ड्यूड, उसका एक स्टाइल है बोलने का वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बट जो उसकी डबिंग कोई और करता है, उसकी डबिंग आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग राजेश खट्टर करता है, करेक्ट. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आप लक्ष्मी बॉम्ब और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में हैं, तो अपने रोल के बारे में कुछ नहीं बता सकते सर, कुछ नहीं बता सकते, नहीं. और अपकमिंग और क्या प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आने एक और वाले फिल्म थी वक्त के लिए दरबान, वो मुझे। रिलीज होने वाली थी 2 अप्रैल को, बट अब वो भी पुश हो गई, वो बाद में रिलीज होगी. तो 3 फिल्म रिलीज में सर, दरबार मेरी एक मराठी फिल्म शुरू होने वाली थी 15 अप्रैल को, इट्स अ पीरियड ओके एक्शन फिल्म, जी अब वो अक्टूबर में शुरू होगी. उसके अलावा एक वेब सीरीज है, वो अभी शुरू हो जाएगी शायद मेरे ख्याल से जुलाई एंड तक, जब तक ऐसे परमिशन मिल जाएगी. एंड देयर इज अ फिल्म, इट्स अगेन अ वेरी कमर्शियल मासी फिल्म, आपको देखने में मजा आएगा. तो वो एक फिल्म है अच्छा जो अगस्त सितंबर में शूट होगी. तो 3 फिल्में हैं फिलहाल तो गरीब के पास. अरे सर रोल्स को लेकर तो काफी ख्वाहिशें होंगी कि अभी भी हमें ये रोल करना है, वो रह गया मेरा, अभी वो क्या तो है उसको सर, जैसा वो तो कैरेक्टर मिल भूख जाए। होती है, वो तो भूख होती है, उसका कोई वो नहीं है कि वो मेरी चॉइस है, मेरे सपने है, वो तो भूख है, तो जितना करो उतना कम है, मतलब ऐसा हाल है. आपने कोई मराठी फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, जी जी तो जी आगे क्या ऐसे प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं कि आप खुद बिल्कुल कोई बिल्कुल प्रोजेक्ट सर, बना रहे हैं? आएंगे जरूर, आएंगे सर, अब जरूर देखेंगे, आपकी दुआ चाहिए बस कि मैं कर ओके पाऊं एग्जीक्यूट. बिल्कुल बिल्कुल
मैंने 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 अपनी तरफ से पुश किया हुआ है, देखते हैं। जी उम्मीद है कि बस ऐसी सभी लोग पुश करने वाला आ जाएगा। तो लास्ट शरद, आप फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन में? नहीं कहना चाहूंगा, देखिए अभी लॉकडाउन जो हम स्पेशली मुंबई से जो लोग हैं उनके लिए कि देखिए लॉकडाउन का अभी फर्स्ट अनलॉकिंग शुरू हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बिकॉज कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है ऐसा लगता है, बहुत केसेस आ रहे हैं। आप लोग प्लीज अननेसेसरीली सिर्फ शौकिया तौर पर कि अभी छूट मिली है पुलिस वाले रोकेंगे नहीं इसका मतलब हम बाहर चलते हैं, बिल्कुल नहीं सर, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर ये लोग सोचते हैं कि हम बहुत हेल्दी हैं, नहीं सर, ये कोरोना किसी का सगा नहीं है, तो कुछ वो छोड़ेगा नहीं है आपको। तो मेरी ये प्लीज इल्तजा है, गुजारिश है कि अननेसेसरीली प्लीज घर से बाहर ना निकले, और निकले भी तो प्लीज मास्क। मैंने कितने लोगों को, मैं बीच में एक बार अपनी डॉटर को लेकर हॉस्पिटल गया था, मैंने कितने लोगों को देखा यार जो मास्क ही नहीं पहन रहे हैं, बाइक पे तीन तीन लोग जा रहे हैं, मास्क नहीं पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बसेस में अपने वीडियो देखे होंगे कैसे ठूसे जा रहे हैं लोग पता नहीं क्यों। इतना क्या जिंदगी, काम इतना क्या प्यारा है जो जिंदगी से बड़ा हो गया परिवार। अगर जान है तो जान है ना, पहले जान की परवाह करो, पैसे आ जाएंगे आराम से। आप मैं लिख के देता हूँ, इंसान अगर चार दिन से दाल चावल, इंसान दाल चावल खा के महीनों जी सकता है, ये समझ लीजिए आप जीने के लिए उतना काफी है। आप काम जो कर रहे हैं वो आप अपने बाकी शौक के लिए कर रहे हैं, वो मत कीजिए प्लीज, घूमने मत जाइए, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस वक्त तो सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। बिल्कुल बिल्कुल।